आराध्य के दर्शन की लालसा में बेसब्र हो रही आंखों को आखिरकार सुकून मिला है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और कोरोना संक्रमण के चलते अपने भक्तों से दूर हुए तीनों लोकों के स्वामी और काल के अधिष्ठाता भगवान महाकाल एक बार फिर से अपने भक्तों के बीच दर्शन देने के लिए आ गए हैं। सोमवार को करीब 80 दिनों के बाद एक बार फिर से बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को दर्शन दिए तो भक्त भी अपने आराध्य के दर्शन कर निहाल हो उठे। दरअसल कोरोना संक्रमण के डर की वजह से महाकाल मंदिर में दर्शन पर लगाई गई पाबंदी सोमवार को खत्म हो गई है और करीब 3 महीने बाद राजाधिराज बाबा का दरबार भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। हालांकि अब भी दर्शन करने के लिए भक्तों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है और दर्शन करने के लिए बनाए गए नियम कायदे फॉलो करवाए जा रहे हैं। इसके लिए दर्शनार्थियों को न केवल वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है बल्कि वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट नहीं होने पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट मंदिर के प्रवेश द्वार पर दिखाना पड़ रही है। इसके साथ ही दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी कराना होती है। दरअसल लॉकडाउन के बाद शुरू की गई नई दर्शन व्यवस्था के तहत दिन भर में सुबह 6 से रात 8 बजे तक अलग अलग स्लॉट में दर्शन की व्यवस्था की गई है। इस दौरान 3,500 लोगों को प्रतिदिन दर्शन करवाए जाएंगे। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए बनाए गए इन नए नियमों का पालन करवाने के लिए दर्शन व्यवस्था में लगने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। हालांकि इस सब के बाद भी भक्त अपने आराध्य के दर्शन करके अभिभूत और आनंदित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, उज्जैन। लॉकडाउन के पश्चात आज पहली बार आम जनता के लिए महाकाल मंदिर के दर्शन खोले गए हैं। इसके लिए प्री बुकिंग की व्यवस्था थी। 4-5 दिन पहले ही स्लॉट बुकिंग प्रारंभ कर दी गई थी जिसमें कि सुबह 6 से रात 8 बजे तक के स्लॉट्स हैं, 7 स्लॉट्स हैं और 500 व्यक्ति हर स्लॉट में प्री बुकिंग में लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 250 रुपये के तत्काल दर्शन हैं। जो लोग बुकिंग नहीं करा पाते हैं और आ जाते हैं दूर से, उनके लिए ये व्यवस्था है। और उसमें भी दिन भर में अगर व्यवस्था में ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो उसको बंद कर दिया जाएगा। मंदिर में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मास्क लगाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो व्यवस्थाओं के संबंध में भी विचार किया जाएगा।